हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ली और आप हैं मिस्टर और मिसेस की सवारी पे। ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। ये आज का जो वीडियो है वो वीडियो में कुछ रिव्यूज के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मेरे कुछ दोस्त ने बोला है कि यार तू तो बंगाली है, तू वीडियो हिंदी में क्यों करता है, ट्राई टू यूज योर मदर लैंग्वेज। सो मैंने बोला कि यार मेरा वीडियो, मेरा जो इंटेंशन है, मेरा आई डोंट वांट कि मेरा वीडियो सिर्फ बंगाल के लोग देखें। अगर हो सके तो कोई भी आउटसाइड वेस्ट, मतलब आउटसाइड स्टेट का भी कोई देख सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं चाहा वो सब बाद में मैं हिंदी में ही ब्लॉग करूंगा। तो पहले ही मैं बोल देता हूँ मेरा हिंदी शायद एकदम खराब है, तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिव्यू। एक कुछ चीज के बारे में मैं रिव्यू दूंगा, और जो पसंद करते हैं कि ऑनलाइन से कुछ परचेस करे या हैंड टू हैंड कुछ परचेस करे, उसके बारे में मैं कुछ आपको डिटेल्स आज को आपको दे दूंगा। सो मैंने आज सारा दिन क्या किया बताओ? नहीं पता, मैं बता देता हूँ। आज का सारा दिन कुछ हटके से स्पेंड किया मैं और मेरी वाइफ ने। एक्चुअली ये जो फंडा है, मतलब एक्चुअली ये जो मैटर है ना, ये कल रात को ही मेरे दिमाग में आया था। मैं तकरीबन 2017 से राइड कर रहा हूँ और मैं डे वन से हेलमेट यूज करता हूँ। मेरा जो लास्ट ब्लॉग है, जो जिसने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है उसको पता चलेगा कि मेरा लास्ट ब्लॉग में मैं कुछ राइडिंग गियर्स के बारे में, हेलमेट्स के बारे में, ग्लव्स के बारे में मैंने बहुत कुछ टिप्स आपको दिए थे। जितना मुझे मालूम था मैं आपको शेयर किया, टिप्स मैं इसको नहीं कहूंगा। तो मुझे कल, मैं ऐसे ही ऑनलाइन में कल सर्फिंग कर रहा था, तो वहाँ पे अचानक मुझे कुछ हेलमेट्स दिखे। तो मैंने सोचा यार मेरा जो हेलमेट है, मेरा जो मतलब पास्ट जो हेलमेट है वो है स्टीलबर्ट एडोनिस। वो हेलमेट बहुत पुराना हो गया क्योंकि उसका जो इनर इनसाइड का जो कुशनिंग है, जो पैडिंग है ना, वो थोड़ा दब गया था। तो इसके लिए वैसा हेलमेट अभी भी बढ़िया कंडीशन में, ट्रस्टवर्थी, मैं मेरा उसका प्राइस भी ज्यादा भी नहीं आया था, पर उसका प्रोटेक्शन जो पैडिंग है वो बहुत ही दब गया था। क्योंकि मैं बहुत सारा यूसेज करता हूँ हेलमेट का, मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं हेलमेट यूज करता ही हूँ, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार एक हेलमेट खरीद लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे हेलमेट का ब्रांड सर्च किया, ऑनलाइन रिव्यू भी देखा, तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। तो लीना, मेरा वाइफ, आके मुझको बोली कि यार कल तू चल दुकान जाके देखते हैं, हजार एक ब्रांड दिखेगा, यहाँ पे तो तू सिर्फ उसको फोटोज ही दिख रहा है, तू अगर दुकान पे जाता है तो वहाँ पे तुझको हैंड टू हैंड दिखने को मिलेगा, प्राइस भी तू वैरी कर सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ठीक है, बात तो सही है, तो एक बार जाके आ लेते। तो इसलिए आज सुबह में मैं चला गया वेस्ट बंगाल, कलकत्ते या कोई, मतलब वेस्ट बंगाल एरिया में जितने भी लड़का लड़की जो भी राइडिंग पसंद करते हैं, राइड करते हैं, बाइक चलाते हैं, सबको पता है कि बाइकिंग का एकदम ट्रस्टवर्थी जगह जो है वो है वेलिंगटन स्क्वायर। जी हाँ, वेलिंगटन स्क्वायर। वेलिंगटन स्क्वायर एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाके गाड़ी को मॉड कर सकते हो, गाड़ी को स्टिकरिंग कर सकते हो, गाड़ी के ऊपर विनाइल लगा सकते हो, हेलमेट परचेस करते हो, राइडिंग जैकेट मिलता है वहाँ पे, फोन होल्डर, सब कुछ A to Z सब कुछ मिलता है वहाँ। तो मैंने वही सोचा कि यार चलो जाते हैं। तो मैंने गया वहाँ पे। मैंने ये बात अलग है कि मैं ऑनलाइन पे दो मॉडल अलग से चूज करके रखा था कि जाके वहाँ पे ज्यादा मॉडल देख के कंफ्यूज नहीं होना है। दो ही मॉडल अच्छा है, ब्रांड में है, ब्रांडेड भी है, और मेरे बजट में भी आना चाहिए। हाँ, ये बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए, तो बजट फ्रेंडली भी था। मेरा बजट तकरीबन 1700 के आसपास ही था। मैंने सोचा कि यार मेरा सेकेंड हेलमेट है, ज्यादा इसके ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे, बट क्वालिटी इसका एकदम अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार मैं ऑनलाइन नहीं जाते, वहां पे चले जाते, वहां पे जाके देख लेते यार, अगर होता है तो ठीक है, वरना ऑनलाइन ही खरीद लेंगे। पर ट्रस्टवर्थी, टचवुड मैं कह रहा हूँ यार,
मैंने जाके जब वो सेम हेलमेट जो मैंने ऑनलाइन में 1750 में देख रहा था, तो वही वेलिंगटन में उसको वहां पे मैं मुझे 300-400 रुपया का मतलब डिस्काउंट में मिला। उसका एक्चुअल प्राइस वहां पे एकदम अलग था। तो छोड़िए, ज्यादा बातें करके आपको एकदम बोर नहीं करूंगा, सीधा आ जाते हैं एकदम रिव्यू पे। हाँ, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेरा जो पहला का हेलमेट था उसका पैडिंग कैसा हो गया, क्यों मैं खरीदा इसके लिए, और उसके बाद आएगा मेरा नया हेलमेट। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पुराना वाला हेलमेट। सो दिस इज माय ओल्डेस्ट हेलमेट, नाउ इट्स लुक लाइक अ वेनम। तो ये हेलमेट का जो था, ये था एडोनिस स्टीलबर्ट एडोनिस का। अभी ये स्टिकर जो है ना वो थोड़ा घिस गया है, इसके ऊपर का भी विनाइल घिस गया है, यहाँ पे वो थ्रॉटल शटल का लोगो भी है वो मैंने लगा दिया था। इसका जो वाइजर था ये एकदम खराब हो गया था, तो इसका मैंने निकाल दिया, तो इसलिए ये जगह अभी खाली है। तो मुझे मुझे गॉगल्स पहनना पड़ता है, तो इससे क्या होता है ना धूल भी जाता है, आंख में नहीं आता है, मुंह पे पूरा धूल धूल हो जाता है, तो वाइजर होना जरूरी है। तो इसके लिए ये अभी बहुत पुराना हो गया, बहुत सारे स्क्रैचेस भी आ गए, पर हेलमेट अभी भी एकदम बढ़िया कंडीशन में है। इसका जो आपको शायद दिखने को मिलेगा, इसका जो पैडिंग है ये वाला चीन पैडिंग जो है ना वो एकदम दब गया है, एकदम दब गया है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार पहन के आपको दिखाता हूँ। ये अगर कोई चाहे तो एडोनिस स्टीलबर्ट खरीद सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया हेलमेट है। तो इसका लुक ऐसा आता है, यहाँ पे पूरा ये जो लुक है ना, ये जो टॉप जैसा लुक है, ये लुक मतलब वो लोगों ने इसका डिजाइन जो एयरफोर्स का जो हेलमेट होता है ना उसके साथ थोड़ा सिमिलर इसको बना के इन लोगों ने बनाया है। तो अगर कोई 1000 bucks के अंदर में अच्छा हेलमेट चाहते हैं तो गो फॉर इट, एडोनिस स्टीलबर्ट हेलमेट बहुत ही बढ़िया है। मैं अभी भी इसको यूज करूंगा, क्योंकि मैंने जो नया हेलमेट लिया है वो मैं शायद राइडिंग में, अगर कुछ राइड में जाते हैं तो वहां पे मैं उसको यूज करता हूँ, और लोकलिटी में बढ़िया। और गाइस, मैं अभी आता हूँ मेरा नया हेलमेट स्टड्स का। ये हेलमेट का ब्रांड है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका ब्रांड है निंजा एलिट सुपर D3, निंजा एलिट सुपर D3। वीडियो में शायद उल्टा आता है, मुझे मालूम नहीं। तो ये है हेलमेट का बॉक्स। और एक बात, मैंने हेलमेट खरीद के उसको अनपैक करके उसको पहना, सारा दिन गाड़ी चलाया, क्योंकि हैंड ऑन रिव्यू अगर देना तो उसको पहन के बोलना जरूरी है। लाके यहाँ पे अनपैक करके बोलूंगा, फिर मैं मुझे कल पहनने के बाद पैडिंग में अगर कुछ परेशानी लगे तो वो वीडियो में अगर ना बोल पाऊँ तो वो एकदम गलत होगा। तो इसलिए मैंने इसको आज सारा दिन, मतलब 6-7 घंटा इसको मैंने पहना, बारी बारी से पहना। ट्रस्ट मी बढ़िया। इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा, इसके प्राइस के साथ ये जो इसका लुक्स, वॉइजर, ग्राफिक्स, विनाइल, वेट, पैडिंग, क्या बोलू यार, क्या बोलू, किसको छोड़ू, किसको बोलू, सब बढ़िया है। तो आइए आपका इसको अनबॉक्सिंग आपको दिखाते हैं। मैं तो पहले कर दिया, पर मेरे व्यूअर्स के लिए इसका अनबॉक्सिंग अब करते हैं। आ गया ये, मैं अभी खोलने वाला हूँ इसको। प्लास्टिक के ऊपर कुछ नहीं था, एक टेप से उसको बंधा हुआ था, तो वो तो मैंने निकाल दिया क्योंकि मेरा ये वाला हेलमेट उसके अंदर डाल दिया था। तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। वाओ, बॉक्स में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ बॉक्स दिया और उसके अंदर हेलमेट डाल दिया। तो ये आता है हेलमेट, अभी ये फोम शीट के अंदर में इसको हेलमेट को डाल दिया। मैं ऐसा कर रहा हूँ जैसे मैंने हेलमेट को दिखा ही नहीं यार, नहीं करना पड़ता है क्योंकि व्यूअर्स देख रहे कि हाँ नया चीज है, चलो दिखने को मिलेगा। ये है स्टड्स निंजा D3। इसका वेट तकरीबन कितना होगा, 1500 ग्राम के आसपास, ज्यादा वेट ही नहीं है, ठीक है, ज्यादा वेट ही नहीं है। पर यार मेरा ग्रेसी का कलर भी इसके साथ बहुत मैच होता है, इसलिए मैंने यही वाला लिया। डिटेल
आपको अभी दिखाता हूँ। मैं अभी इसका ग्राफिक्स को आपको डिटेल में दिखाऊंगा। लुक एट इट्स ग्राफिक्स, इसका ग्राफिक्स देखो यार, एकदम स्पोर्टी लुक्स दिया हुआ है इसका ग्राफिक्स। टॉप हेड ये जाके यहाँ पे कट होके अंदर आता है, एकदम एरोडायनामिक है पूरा, रेसिंग हेलमेट के जैसे इसको बनाया है, पूरा एरोडायनामिक है। यहाँ पे दो चैनल ऐसे किया है जैसे जिससे हवा और तेज कट होके पीछे निकल जाए, और वेंट अगर खाली हो तो अंदर से हवा भी अंदर आ जाए। इसका ग्राफिक्स विनाइल जो है बहुत ही बढ़िया है, यहाँ से एकदम एक स्ट्रिप जाता है, पूरा पॉइंट होता है यहाँ पे, एकदम नीट की तरह एक डिजाइन किया हुआ है। और पीछे भी इसका ग्राफिक्स बढ़िया है, और ये स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा ये जो दो डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है ये एकदम स्पोर्ट्स लुक जैसा है। मतलब आप अगर बाइक रेस को देखते हो तो ऐसा डिजाइन आपको हेलमेट में दिखा वहां पे भी दिखने को मिलेगा, शायद दिखोगे आप। तो ग्राफिक्स एकदम बढ़िया ग्राफिक्स दिया है, बहुत कूल, बहुत हैंडी, बहुत इसका ड्यूरेबिलिटी एकदम बढ़िया, वेट एकदम कम, क्रोम प्लेटेड वॉइजर के साथ कूल लुक्स, सामने एयर वेंट जहां पे आप गोप्रो को माउंट कर सकते हो, और जॉ लाइन का जो हिस्सा है जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, शॉर्ट नहीं है। सो ओवरऑल इट्स ए गुड हेलमेट एंड आई एम लाइकिंग इट। ये दोनों एयर वेंट ओपन करके मैंने आज सारा दिन गाड़ी चलाया, बहुत हवा आता है अंदर में। और मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ, पीछे भी एयर वेंट है जो हवा निकलने के लिए या अंदर आने के लिए, शायद निकलने के लिए क्योंकि एरोडायनामिक पोजीशन में तो हवा पीछे ही जाता है ना, तो ये जगह रहता है खुले यहाँ पे हवा निकलने के लिए। स्टड्स ISI मार्क, कोई बात नहीं, थंडर DTI यहाँ पे 93 लिखा है, मेरा तो पसंद का नाम नंबर नहीं है फिर भी। हाँ अभी आता हूँ इसका इनर सेक्शन में, ये आ गया नेक होल्ड, मतलब आपके सर के पीछे का पूरा प्रोटेक्शन के लिए, बहुत ही बढ़िया है यार। ये वाला सेक्शन बहुत हार्ड है, ये वाला इनसाइड का होता है ठीक है। ये आता आपका जॉ लाइन, जो आपका जॉ लाइन है वो उसको होल्ड करने के लिए, और ये अंदर तक इतना तक चला जाता है ठीक है। ये आ गया चीन होल्ड, मतलब चीन गार्ड, यहाँ पे दुकान से तो ऐसे ही बोला चीन गार्ड, मतलब आपका जो चीन है वो यहाँ पे आएगा, और ये दोनों पोर्शन आपका जॉ लाइन को होल्ड करने के लिए या सेफ्टी के लिए। इनसाइड का जो पैडिंग है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी, इनसाइड का जो पैडिंग सिस्टम है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको दिखने को मिलेगा। चार सेक्शन में इसका पैडिंग, एकदम स्कल का जो एकदम टॉप का जो हिस्सा होता है वहां पे इन लोगों ने चार, 1, 2, 3, 4 सेक्शन में इसको पैडिंग किया है। ये फोरहेड एरिया है, ये वाला फोरहेड एरिया है, फोरहेड एरिया का भी पैडिंग बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद ये आता है प्राइमरी डैमेज सेक्शन, मतलब ये कॉलिशन को हजम करेगा, इसको झेलेगा, अगर कॉलिशन होता है सामने से या पीछे से तो ये वाला सेक्शन झेलता है। ये वाला है आउटर शील्ड, ये वाला उसका प्राइमरी वन सेक्शन, ये वाला भी प्राइमरी वन सेक्शन, ये आता है आउटर शील्ड, और ये आता है वॉइजर इन साइड से ठीक है। तो ये वाला ब्लूटूथ का तो ऑप्शन इसमें नहीं है, और मुझे पसंद भी नहीं था कि यार मुझे अलग से ब्लूटूथ का कोई ऑप्शन वाला हेलमेट हो, तो मैंने वो वाला ऑप्शन छोड़ दिया क्योंकि वो थोड़ा ओवर बजट हो रहा था मेरे लिए। तो बजट में यही आ रहा है, अगर आप गोप्रो लगाते हो, यहाँ पे हम लोग का जो जुगाड़ सिस्टम है, जुगाड़
उससे आप यहाँ पे GoPro लगा, GoPro का जो माउंट होता है वो आप आराम से लगा सकते हो, ट्रस्ट मी वो लगा सकते हो, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एमसील से लगाते हैं तो वो हो जाएगा। और उसके साथ आपको इनसाइड में आपको माइक सेट करना होगा, स्पीकर माइक जो आपका बात यहाँ पे आएगा, तो वो सब मॉडिफिकेशन अलग से कर सकते हो या हम लोग कर ही लेंगे, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आते हैं इसके और डिटेल्स में। ये तो गया इसका हैंड टू हैंड रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आपको आपके लिए लाऊंगा, शायद आपको पसंद आए। आज के लिए तो बस इतना ही, नया हेलमेट के साथ कल एक नया राइड पे मैं सुबह जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा लगता है, बने रहिए। तब तक के लिए मैं ली आप हो मिस्टर ऑफ मिसेस की सवारी पे, राइड सेफ राइड हार्ड, जय हिंद।